तस्वीरें आपको बहु प्लाजा से दिखा रहे थे। यहाँ पर छबील लगाई गई है इस गर्मी के मौसम में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। ठंडा ठंडा पानी जो है वो यहाँ पर परोसा जा रहा है। ये देखें आप, रूह अफ़ज़ा छबील है, इसमें काफी सारा रूह अफ़ज़ा डाला गया है, बर्फ भी डाली गई है ताकि लोगों को राहत मिले, पानी जो है वो ठंडा ठंडा मिले। किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगाई गई है, क्या कुछ है जानकारियां, मैं आपसे बात कर सकता हूँ सर? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो आप पानी पिला रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन आप बताएं कि पीछे का मकसद क्या और किसकी तरफ से लगाई गई है? सबसे पहले तो जय हिंद जय भारत सभी देशवासियों को, जम्मू वासियों को। आज देवा इंटरनेशनल फाउंडेशन और कल्कि ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से आज ये गर्मी के मौसम में इनिशिएट लिया गया है कि आज छबील लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी अपना कहर डाल रही है, 45-40+ जा रहा है जो टेम्परेचर अभी, तो ये ऐसी जगह है जहाँ मतलब की हर लेवल का बंदा आता है, हर वर्ग का बंदा आता है, कॉर्पोरेट हब भी है, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर है, हर मतलब मोस्ट जम्मू का 75% जो है वो यूथ यहाँ जॉब करता है। तो हमको लगा कि यहाँ पर ऐसा गर्मी के मौसम में इनके लिए एक सुविधा हमें लगानी चाहिए, और आने वाले समय में देवा इंटरनेशनल फाउंडेशन और कल्कि के साथ मिलकर हम ऐसे और भी इनिशिएट लगाते रहेंगे। अभी जस्ट हमने अभी एक और इनिशिएट लिया है, लड़के का स्टार्टअप करके दिया हमने, हमारे ग्रुप मेंबर्स ने। वो बहुत गरीब लड़का था रामनगर का, और उनको पर उसके पास टैलेंट था, उन्हें पूरा प्रॉपरली सब कुछ बनाना आता था, पर उसके पास सोर्स नहीं था। तो हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने ये और कल्कि की तरफ से और देवा इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से ये इनिशिएट लिया गया कि उसको थोड़ा सा हम बूस्ट किया जाए। तो हमारा ग्रुप का यही एक मोटो रहता है कि हम सब भाई मिलकर किसी भी गरीब का अगर भला हो सके हम उसको भला करें। स्टार्टअप करके दिया उसको, मतलब प्रॉपर सेटअप लगा के, प्रॉपर आप वहाँ जाके देख सकते हैं, हमने पूरा प्रॉपर सेटअप करके दिया उसको। सामने बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा सामने, यहाँ तो स्थान भी नहीं, मुझे लगता कोई देता होगा कि यहाँ पे कोई रेडी फड़ी भी लगाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो काफी दिक्कतें काफी आई थी, बट चलो आपने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया सर से और परमिशन वगैरह हमारे पास आ गई है, लाइसेंस के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया है, सब कुछ है। बट कहने का मतलब ये है कि हम भी कुछ देश के युवाओं के लिए, देश के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, और आने वाले समय में हम ऐसे और भी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेते जाएंगे ताकि हमारा देश जो है वो मजबूत हो। चलो हम भी यहाँ से गुजर रहे थे तो ये हमें भी ठंडा पानी पीने का मौका मिला है, और हमने कहा कि जो बाकी भी लोग हैं उनको भी थोड़ा सा बता दें कि यहाँ बहु प्लाजा में छबील लगी है और आप जरूर आए, और यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो कुछ तो एम्प्लॉयज हैं, कुछ यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग तरह से। बाहर भी देखें कितनी सारी गाड़ियां लगी हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इस धूप में अगर ठंडा पानी कहीं पर मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है, ये एक अच्छी खबर थी। और जो भी बहु प्लाजा से गुजर रहा है तो हम उनसे जरूर कहेंगे कि आप अगर गुजर रहे हैं तो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बीच में देवा इंटरनेशनल और मूवमेंट कल्कि की तरफ से छबील लगाई गई है, यहाँ पर आकर ठंडे पानी का आनंद ले सकते हैं, गर्मी से राहत पा सकते हैं। कल बारिश जो थी वो हुई थी शाम को, और उसके बाद मौसम ने करबट ली थी, रात को मौसम काफी ठंडा रहा था, सुबह भी जब लोग उठे तो एक सुकून की चैन की नींद से उठे और देखा कि मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गर्मी जो है वो वापस से बढ़ने लगी है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, पानी जो है वो आप खुला पिए। और देखते रहे दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।